आज 14 अगस्त भी है जो पाकिस्तान का यौम आजादी है, इस लिहाज से भी दुआ की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को हकीकी आजादी नसीब करे और खुद गर्ज लीडरों और मुफाद परस्त मजहबी रहनुमाओं के अमलों से मुल्क को महफूज रखे। अल्लाह ताला अवामुन नास को अकल और समझ और भी अता करे कि वो ऐसे रहनुमा मुंतखब करें जो ईमानदार और अपने ईमानत का हक अदा करने वाले हों। इन सबको इस बात की हकीकत समझने की भी तौफीक अता फरमाए कि इस मुल्क की बका और सालमियत की जमानत इंसाफ और एक दूसरे के हकूक की अदायगी में है, जुल्मों से बचने में इस मुल्क की बका है, खुदा ताला की तरफ झुकने में ही इस मुल्क की बका है। कहने को तो खुदा ताला के नाम ये लेते हैं और यही कहते हैं कि हम खुदा की खातिर कर रहे हैं, लेकिन रब्बुल आलमीन और रहमान और रहीम खुदा के नाम पर हर तरफ जुल्म के बाजार करूं। अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल आलमीन हैं उनके नाम पर जुल्म किए जा रहे हैं। अहमदी जिन्होंने मुल्क के बनाने में एक अहम किरदार अदा किया है, कुर्बानियां दी हैं, उन पर जुल्म किए जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तानी अहमदियों ने जहां भी वो हों मुल्क से वफा का इजहार ही करना है और इसीलिए दुआ भी करनी है कि अल्लाह ताला इस मुल्क को सलामत रखे और जालिमों और मुफाद परस्तों से इस मुल्क को निजात दे। मुल्क की बका और सालमियत को खतरा बाहर से ज्यादा अंदर के दुश्मनों से, खुदगर्ज और मुफाद परस्त लीडरों और उलमा से है। अगर अल्लाह ताला का खौफ दिल में रखते हुए मुल्क को ये लोग चलाएं तो कोई बैरूनी ताकत मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बहरहाल पाकिस्तानी अहमदियों को अपने मुल्क के लिए ज्यादा से ज्यादा दुआएं करनी चाहिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तानी अहमदियों को भी हकीकी आजादी नसीब फरमाए और ये मुल्क कायम रहे।